नमस्कार, एसएम न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कोमल और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज हम बात कर रहे हैं जियो कंपनी की। जियो कंपनी का क्या आपने कभी सोचा है कि जियो कंपनी ने एक साल तक अपना नेटवर्क फ्री क्यों रखा था? क्यों उसने एक साल तक अपना फ्री डेटा, फ्री टॉक टाइम दिया था? इसके पीछे क्या मकसद था? वैसे तो जियो के आते ही जो छोटी छोटी नेटवर्क कंपनियां थी सिम की, वो सारी बंद हो गई थी। अब जो मेन मार्केट में तीन जो कॉम्पिटिटर कंपनियां चल रही है, जियो की, एयरटेल और वोडाफोन, अब इन पे भी कंपटीशन बढ़ रहा है, क्योंकि जियो ने साफ साफ कह दिया था कि वो एक साल तक अपना नेटवर्क फ्री रखेगी, जिसके तहत सभी ने अपने लोकल नेटवर्क को छोड़ के जियो को अपना लिया था। आज भी कई लोग लोकल्स को छोड़ के जियो को अपना रहे हैं। इसके पीछे जियो का सिर्फ एक मकसद था कि सभी उपभोक्ताओं को अपनी तरफ खींचना, और हम भी उसकी तरफ खींचते चले गए। इसके साथ ही जो बाकी कंपनियां रह गई वो घाटे में चली गई, जिसके तहत उन पर आज अरबों का कर्जा आ गया है, और इसी कारण उन्होंने अपनी कंपनियों को बंद करने का फैसला भी किया है। उन्होंने सरकार से दरख्वास्त भी करी है कि अगर सरकार हमें रियायत दे दे तो हम अपनी कंपनियों को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन मुकेश अंबानी ने कह दिया कि अगर इन्हें कोई रियायत मिली तो हम भागीदारी नहीं देंगे इसमें, और इन कंपनियों को कोई भी रियायत नहीं मिलनी चाहिए। इनका जो घाटा होता है होने दें, और इन्हें अपना भुगतान स्वयं करने दें, क्योंकि ये भुगतान बहुत बड़ा है तो कंपनियां इसका भुगतान नहीं कर पाएंगी। उन्होंने साफ सरकार को कह दिया है कि हमें अगर रियायत नहीं मिली तो हम इस कंट्री को छोड़ के चले जाएंगे। तब जब इस कंट्री में सिर्फ एक ही नेटवर्क होगा तो उसके प्राइस भी बढ़ना आम बात है। अभी से ही जियो ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। जियो का रिचार्ज करवाने पर भी पहले जो नेट और टॉक टाइम दोनों चीजें मिलती थी, अब सिर्फ टॉक टाइम मिलेगा या तो सिर्फ नेट मिलेगा। अब जब जियो अपने रंग दिखा रहा है तो वो साथ में दूसरी कॉम्पिटिटर कंपनियों को भी मैदान से बाहर निकालता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही जियो की सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर एयरटेल नेटवर्क है। एयरटेल नेटवर्क ने काफी पहचान बना ली है, उसके कई सारे ऐसे ऑफर हैंगे जिसके तहत लोग उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी एयरटेल को कई जगहों पे मात खाना पड़ रहा है, क्योंकि उसके सिग्नल थोड़े से वीक होते चले जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये सिर्फ जियो कंपनी की वजह से हो रहा है। जियो कंपनी के सूचकों से पता चला है कि जियो कंपनी अपने कॉम्पिटिटर के नेटवर्क खराब करने में भी पीछे नहीं रही है, उसने इस काम को भी बखूबी निभाया है। आइडिया और वोडाफोन तो जैसे खत्म होते ही नजर आ रहे हैं। वोडाफोन ने तो साफ साफ सरकार को कह दिया है कि अब हम इंडिया में काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे काम करना हमारे लिए सबसे ज्यादा घाटेमंद रहेगा। एक साल का वो जियो का फ्री रहना सबसे बड़ी चाल थी, पूरे देश में अपने नेटवर्क को फैलाना और उतने में ही अपना पूरे जीवन का कलेक्शन करना। आज 3 साल हो गए हैं जियो को इंडिया में लॉन्च हुए हुए, लेकिन आज जियो के 33 करोड़ से भी ज्यादा उपभोक्ता इंडिया में मौजूद हैं, जिसके तहत आज जियो का सबसे ज्यादा व्यापार चल रहा है इंडिया में। और इसी के साथ जो दूसरी कंपनियों को घाटा हुआ है उससे भी काफी नुकसान हो रहा है, क्योंकि अगर सिर्फ जियो रह गया तो जियो अपने प्राइस जरूर बढ़ाएगा, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा सिम नहीं रहेगा। इसीलिए आप सभी से दरख्वास्त है कि बेहतर नेटवर्क का चुनाव जरूर करें और इन कंपनियों को जरूर से जरूर सपोर्ट करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।